ध्यान गणनायक सेवा सुर साम करे आए सफल की
Hey!
अभी जब ये उत्तर पूजन होगा उसके बाद मृत्यु कर हम पूरे सेटलमेंट डिजायर बार करते हैं। चलो भाई चार धाम की यात्रा उत्तर पूजन देखिए उत्तर पूजन का सुनने जाना है तो आप सभी लोग जाएंगे नहीं दो पांच मिनट और रुकेंगे उसके बाद कामास सत्यर्थे पुनर आगमनाय च ओम गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्व अस्थाने परमेश्वर मम पूजा गृहे मां पुनर आगमन च। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। पप्पा जी हमने आपके यहाँ पे 10 दिन तक आपका पार्थिव मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके आपका स्थापन किया था। 10 दिन का जो भी हमसे बना हमने आपको अर्पित किया भोग प्रसाद और हमारी मनोकामना जो भी आप चाहते हैं उसको पूर्ण कीजिए। हमारे सीट पर आप जैसे आते हैं हमेशा हर वर्ष आते हैं उसी बात हमेशा आपका आगमन होता रहे बस यही हमारी मनोकामना है। जय गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा
मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मेरे गले में दर्द हो रहा है, पुरचा वर्षी लो करिया गणपति बप्पा मोरिया। लास्ट ईयर भी यही रिचुअल्स था, इस बार भी यही रिचुअल्स के तहत कुछ बताना चाहोगे गणपति जी की? ये कैसा सवाल है, आपने इस सवाल में ही जवाब दे दिया। हर साल यही होता है, इस साल भी यही हुआ है। अब बस हम नेक्स्ट ईयर का वेट करेंगे बप्पा के आने का, गणपति बप्पा मोरिया। इस साल कितना स्पेशल था गणपति? हर बार स्पेशल ही होता है, ये मैंने पहले भी कहा था, गणपति पापा उनका आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो इस साल भी स्पेशल था। वो जाते तो दुख तो बहुत होता है, आई थिंक विसर्जन के टाइम थोड़े बहुत आंसू अपने आप ही आ जाते हैं, बट पुरचा वर्षी लव करिया। क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपने गणपति जी से कहा है? विशेस नहीं बताऊंगी मैं, सेट को लेके, एक सीरियल को लेके अगर कुछ बताना, जो हो सबके अच्छे के लिए हो, बस इतना ही। फैंस को एक छोटा सा मैसेज, प्यार देने के लिए शुक्रिया एंड गणपति बप्पा मोरिया। आज किसको मिस किया आपने विसर्जन में? गणपति बप्पा को यार, थैंक यू, चलो बाय बाय, थैंक यू। हाँ जी, शुरू कीजिए छोटे लाल। वेल, बहुत मिस करेंगे हम, क्योंकि आते ही सुबह से एक उत्साह फील होता है, इतना पंडाल इतना रंग बिरंगी है, इतनी अलग महक है, मोदक है, फूल है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है वाकई में हमारे घर पे गेस्ट आए हैं और गणपति बप्पा आए हैं, तो बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। सुबह से ही हम बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं और थकावट जितनी यूजुअली हमें होती थी उससे कम होती है, ये तो बात है डेफिनेटली। अभी आपने देखा हम कितना नाच रहे थे। जगत पिता है और जगत पिता को किसी एक रूप में हम घर लेकर आए हैं और फिर उनको अपने सारे अवगुण दिखा के और उनकी सारी जो शुद्धिकरण है वो लेकर और फिर उनको विदा किया है और फिर से अगली बार इसी सेट पे बुलाने का वादा भी लिया है। ये जो फेस्टिवल है काफ़ी जल्दी चला जाता है, ये जो 10 दिन होते हैं, एक अनोखे 10 दिन होते हैं, आप अगर कुछ बताना चाहोगे लास्ट पिछले 10 दिन किस तरह से थे आप लोगों के? अच्छी चीज़ें जो हैं भाई वो बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि ख़त्म हो जाती हैं, बुरे दिन नहीं कटते हैं, तो गणपति के 10 दिन जो हैं वो तो ऐसे हैं कि बस वो चुटकी बजाई और वो ख़त्म हो गए। आप घर में पूजा करते हैं, मन में भी पूजा करते हैं, लेकिन कहीं कंडीशनिंग ऐसी है कि जब आप उनको सामने देखते हो तो आप जो भी एक छोटी मोटी गलती है या गलत सोच है उसे करने से बचने की कोशिश करते हो। सेट पे थोड़ा सा बेहतर माहौल होता है, पूजा होती है, तो आप कहीं इस बात का एहसास होता है कि आसपास ही हैं, वैसे तो हमेशा ही साथ में हैं,
दस दिन बहुत अच्छे कटे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे ये थोड़ा स्पिल ओवर हो जाए, ये महीना और साल भी हो जाए। अक्सर हम यू नो लैपटॉप या कंप्यूटर पे कुछ कीज़ दबाते हैं, कंट्रोल कॉपी पेस्ट, मैं वही करना चाहता हूँ इनके साथ कंट्रोल कॉपी पेस्ट, क्योंकि इन्होंने जो बोला आई थिंक एब्सोल्युटली करेक्ट है हर तरफ से, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ ऐड करना चाहिए। इमोशनल काफ़ी होता है वाकई में, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ऐसा लगता है कि काश कुछ दिन और रह जाते, काश जैसे उन्होंने कहा खुशियों के पल बहुत जल्दी बीत जाते हैं, हमें पता नहीं चलता चुटकी बजा के, तो वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि काश हम इंसान हैं, लालची होते हैं हम, यू नो ये माने या ना माने हम, लेकिन हम वो लालचपना कुछ ज़्यादा ही उभर के बाहर आती है, ऐसा लगता है पप्पा कुछ दिन और रुक जाते, कुछ महीने और रुक जाते और मज़ा आ जाता। ये जो समय है ये 10 दिन जो है वो बाकी जो 355 दिन हैं उनमें भी कहीं इनका थोड़ा सा इफेक्ट रब ऑफ हो जाए तो बहुत बेहतर है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो उनकी जो प्रेजेंस है वो सारे साल ही फील करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे अभागे जो कि सिर्फ 10 दिनों के लिए ऐसा महसूस करते हैं कि यही गणपति के दिन है या परमात्मा के यही 10 दिन है प्रभु के, कहीं अगर कोशिश ऐसी की जाए कि 365 दिन अगर यही भावना रहे, ऐसे ही गणपति जी को आप समक्ष माने और जिन गलतियों से बचते हैं इन 10 दिनों में, अगर वो पूरे साल बचा जाए तो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच।